अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमटीएस न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने की 10वीं तारीख को निकाले जाने वाले बीबी का अलम मुहर्रम के जुलूस से चंद दिन पहले यानी आज पीर को जुलूस के लिए हाथी के साथ रिहर्सल की गई। 10 मुहर्रम आशुरा हफ्ता 29 जुलाई को मुल्क में किया जाएगा। शिया मुस्लिम कमेटी के अराकीन ने प्रोग्राम मुनक्किद किया और बीबी का अलावा आशुर खाने से चादर घाट तक के रास्ते पर यह जुलूस निकाला गया। हाथी की रिहर्सल के लिए ये जुलूस निकाला जाता है ताकि वो इस सरगर्मियों से वाकिफ हो जाए जो आशुरे के दिन जुलूस निकाले जाने पर होगी। इस दिन हजारों लोग जुलूस में हिस्सा लेते हैं और नोहस बुलंद आवाज में पढ़ते हुए मातम करते हैं। आज हाथी के जुलूस का ट्रायल बीबी का अलम शेख फैज कमान, याकूतपुरा रोड, एतबार चौक, अलीजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, मीराला मंडी, दारुशिफा, अजा खाना जहरा से चादर घाट तक निकाला गया। आइए देखते हैं इस खसूस में जुलूस के चंद मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए एमटीएस न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ओके, सबको आदम। आज मुहर्रम का जुलूस, 10 मुहर्रम का जुलूस में जो हाथी शामिल होने वाला है उसको आज ट्रेल रन करवा रहे हैं। जो जैसे पूरा रूट है बीवी कालम से लेके मस्जिद इलाही तक जो 6 किलोमीटर का रूट है उसके पूरा रूट जो है अभी ट्रेल रन कर रहे हैं ताकि हर कोने पे कैसे जाते कैसे मुड़ना है सारी चीज़ हमारा पूरा पुलिस फोर्स जो उस दिन शामिल होने वाला है उन सारी फोर्स को साथ लोक पार्टी के साथ ट्रेल रन कर रहे हैं ताकि जो भी डिफिकल्टीज अभी जो समझ में आ रही है जो जैसे सीनियर ऑफिसर जो है आप कि पहले से जो एक्सपीरियंस ऑफिसर आनंद है हमारा मेन बाजार का इंस्पेक्टर रंजीत है इन लोग का भी यहाँ पे है और लोग जो लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे आज भी हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ कोई डिफिकल्टी हो सकता है उसके बारे में हम तो समझने के लिए ये सारी ट्रेलिंग कर रहे हैं। यही जितना टीम आज जो कर रहे हैं वही टीम 10 मुहर्रम का दिन पे भी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि पूरा जुलूस आराम से निकल जाए और बहुत कम तकलीफ से लोगों के साथ निकल जाए। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद का मुहर्रम सारे हिंदुस्तान में अपनी शान व शौकत रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर साल बीबी के आलम के जुलूस के लिए जो हाथी आता है तो उसको ऐसो अब हर साल ऐसो रिहर्सल रखते हैं। चुनाचे 10 के दिन ऐसो कोई चीज़ के लिए मुश्किल ना हो तो हाथी ऐसो उसके सारी रूट पर ऐसो चलता है। इस साल जो हाथी आया है वो माधुरी कोल्हापुर महाराष्ट्र स्टेट से आया है। ये हाथी का सिलसिला 1860 से अफजलुद्दौला के ज़माने से चल लेते आ रहा सो है। हमेशा ऐसो जो भी बादशाह वक्त रहते हैं ना बीबी के आलम के हाथी के लिए हाथी फराम करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी ऐसो सवारी बीबी के आलम के लिए हाथी प्रोवाइड करती थी वो फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ऐसो हाथी प्रोवाइड करी है। इस साल HEH निज़ाम ट्रस्ट के एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऐसो सरकारी तौर पे हमेशा की तरह इस साल भी ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करी है। हम खुसूसी तौर पे हमारे हरदिल अजीज खायद बाइस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि इस सारे चीज़ों में ऐसो हमको ऐसो बहुत मदद की है और इसकी सारी जिम्मेदारी मिर्ज़ा रियाजुल अफंदी साहब को दी थी MLC साहब को। उन्होंने भी ऐसो हमारे ख़दम से ख़दम चलकर ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करा है। हैदराबाद का मुहर्रम बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी अजमत और शान रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैसूर का दशहरा, दीपावली, दिवाली और हैदराबाद का मुहर्रम सारे वर्ल्ड में ऐसो फेमस है। यहाँ पर ऐसो बिला मज़हब व मिल्लत सारे लोग ऐसो अकीदत से एहतराम से ऐसो मुहर्रम मनाते हैं। बीबी के आलम की जो सवारी रहती है इसमें ऐसो हमारे हिंदू ब्रदरी के भी खिदमात है। जो छतरी उठाते हैं वो हिंदू फैमिली के लोग हैं और जो वाही मरातम उठाते हैं उन्होंने भी हिंदू ब्रदरी के लोग हैं। ये एक हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमुना की यहाँ से ही ऐसो शुरुआत हुई सो है। हम लोग आप सबसे एक तहे दिल से ऐसो सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि ऐसो आज बहुत अच्छे अंदाज में ऐसो ट्रायल हो रहा है। इंशाल्लाह 10 के दिन भी ऐसो बहुत अच्छे अंदाज में सारे चीज़ें ऐसो मुकम्मल होंगे। ये जो मेरी खिदमत है शायद अल्लाह सुबहान तआला का एहसान है। ये पीढ़ी दर चल लेते आ रही सो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12th जनरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख़ानदान में मौरूसी सारी खिदमत आई सो है जो कि मैं बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। Oh,
रहा।